विद्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा 2000 राशन पैकेट का वितरण किया जा रहा है। बताया गया कि फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में गरीब तबके व जरूरतमंद परिवारों की सूची तैयार की गई है और उनके बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए राशन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। फाउंडेशन के जिला समन्वय पदाधिकारी मुकेश तिवारी ने बताया कि फाउंडेशन के कार्यकर्ता इस महामारी के विषम परिस्थिति में पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं और अभी तक लगभग 400 जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है और बहुत जल्द ही बाकी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही स्थानीय मुखिया व प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे इस कार्य की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है एवं उनके द्वारा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को साधुवाद दिया जा रहा जो इस विषम परिस्थिति में लोगों के साथ हैं और उनकी जरूरतों को पूरी करने में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। वितरण कार्य में सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र पंडित, कार्यकर्ता संदीप नयन, छोटेलाल पांडे, राजेश शर्मा, अमित कुमार, शिव शक्ति, भीम चौधरी सहित कई कार्यकर्ता शामिल हैं। फाउंडेशन के माध्यम से गिरिडीह जिला के वैसे सुदूरवर्ती गांव जहां पर असहाय और जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास राशन की बहुत किल्लत है उनके लिए कैलाश विद्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन प्रखंड और भी जहां जरूरत है उन जगहों पर 2000 राशन सामग्री का वितरण कर रही है जिसमें आटा, चावल, सरसों तेल, साबुन, सर्फ, मसाले सारे चीजों का हम लोग कोशिश किए हैं कि उन लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस लॉकडाउन के दौरान। जैसा कि इस महामारी में जो हमारे पंचायत में बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है इसके लिए मैं बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और इनकी आभारी इनका आभारी भी। साथ ही साथ इनका बहुत प्रयास रहा बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का इस गाँव के प्रति और इस गाँव में जो है इनके मेहनत से यहाँ पे जो है सो बहुत सुधार हुआ है।